दोस्तों इस वीडियो में होने वाले हैं कुछ ऐसे कमाल के न्यू टेक गैजेट्स जो कि आपको काफी पसंद आएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की अपने इस गैजेट के साथ। नंबर 8, एक्वेरी प्रो शू शाइनर। दोस्तों शू शाइनर एक ऐसी चीज है जिसे कि आजकल लोग अपने साथ लेकर कैरी करते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं किसी मीटिंग में जाते हैं या फिर शादी पार्टी में जाते हैं तो शूज वगैरह रास्ते में जाने में गंदे हो जाते हैं, जिन्हें की साफ करने के लिए हमें शू शाइनर और एक पॉलिशर की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों अगर आप भी एक ऐसा छोटा सा पोर्टेबल शू शाइनर चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको इस गैजेट को एक बार ट्राई करना चाहिए। दोस्तों अगर आप शू शाइनर और ब्रशेस को लेकर कैरी करेंगे तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, जिससे बचने के लिए आप इस तरीके की छोटी सी पोर्टेबल किट को अपने साथ रख सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको एक शू शाइनर और एक ब्रश देखने को मिल जाता है, जिससे कि शू शाइनर लगाने के बाद आप ब्रश से उसे पॉलिश भी कर सकते हैं। इसमें आपको एक मोटराइज्ड ब्रश देखने को मिलेगा, जिससे कि बस आपको बटन दबाना होगा और ये तेजी से रोटेट करने लगेगा और आप बड़ी ही आसानी से अपने शूज को साफ कर पाएंगे। तो कमाल की ये चीज रहती है जो कि खास तौर पर मीटिंग्स वगैरह में और ट्रैवल पर्पस आपके काम आएगी। नंबर 7, होमी डिस्क ड्रिफ्ट। दोस्तों अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो खास तौर पर डेकोरेशन के लिए बनाया गया है। अगर आप भी चाहें तो इसे अपने घर पर या फिर अपने ऑफिस में एक शोपीस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करी जाए इस गैजेट की तो देखने में ये एक छोटे से बाउल जैसा लगता है, जिसमें कि अंदर की तरफ एक छोटी सी LED रिंग लाइट लगी रहेगी, जिसे कि आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए एक छोटी सी लैम्प की तरह तो काम करेगा ही, लेकिन कमाल की बात तो इसमें ये रहती है कि इसमें अंदर की तरफ पाउडर रहता है और एक छोटी सी मेटालिक बॉल भी आपको देखने को मिल जाएगी इसके अंदर, जो कि उस पाउडर पर चल चल के काफी तरीके की डिजाइन बना सकती है। जी हाँ दोस्तों ये डिजाइन देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं और इन्हें आप अपने मोबाइल फोन ऐप की मदद से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से शोपीस रहता है जो कि काफी अट्रैक्टिव रहेगा। इसकी डिजाइन को तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर ही सकते हैं और इसकी लाइटिंग को भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे, जिसकी वजह से देखने में ये छोटा सा शोपीस बड़ा ही कमाल का लगेगा। तो अगर आपको पसंद आया हो ये गैजेट तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, कीक्स स्मार्ट कार की। दोस्तों टेक्नोलॉजी कितनी आगे निकलती जा रही है इस बात का अंदाजा आपको इस गैजेट से यकीनन लग जाएगा। दोस्तों एक जमाना था जब कार में चाबी लगाकर हम उसे ऑन करते थे, उसके बाद कार में रिमोट्स का ऑप्शन आ गया, जिससे कि रिमोट की मदद से उसे लॉक एंड अनलॉक और स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब इससे भी थोड़ी सी आगे निकलने वाली है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल कार्स रखते हैं तो आपको अलग अलग कीज रखनी पड़ेंगी, जिसकी प्रॉब्लम का सलूशन ये निकाला गया है कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं अलग अलग कार्स को तो आप अगर चाहें तो कीलेस एंट्री ले सकते हैं इस गैजेट की मदद से। तो ये एक छोटा सा रिमोट होता है जहाँ पर अलग अलग कार्स के मॉड्यूल्स आप सेट कर देते हैं, जिसके बाद आप जैसे ही उसके पास जाते हैं या फिर अगर आप चाहें तो रिमोट की मदद से भी उसे अनलॉक कर सकेंगे। ये छोटा सा गैजेट आपको काफी सारे ऑप्शंस देता है, जिससे कि आप अपनी कार को स्टार्ट कर सकते हैं, उसे लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं या फिर आप उसकी विंडोज वगैरह को भी ओपन एंड क्लोज कर पाएंगे। लेकिन इसके फीचर्स यहीं पर खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप एक NFC कार्ड एंट्री के तौर पर भी कर सकते हैं। अगर आपको काफी सारे कार्ड्स वगैरह कैरी करने पड़ते हैं NFC डोर अनलॉक के लिए, तो आप इसकी मदद से भी अपने घर के डोर्स को अनलॉक कर पाएंगे। और यही नहीं दोस्तों, अगर आप अपने गैराज वगैरह को भी ओपन करना चाहते हैं तो इस छोटे से रिमोट से उसे कनेक्ट कराकर आप उन्हें भी ओपन कर सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शंस दे देता है ये छोटा सा रिमोट, जो कि ना सिर्फ आपकी कार्स के साथ कंपैटिबल रहता है बल्कि आप अपने होम अप्लायंसेस को भी इसकी मदद से कंट्रोल कर पाएंगे। तो कैसी लगी है ये कमाल की टेक्नोलॉजी, पसंद आई हो तो एक लाइक इसके लिए दोस्तों बनता ही है। नंबर 5, टैक्टिकल फ्लैशलाइट। दोस्तों फ्लैशलाइट एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हमें कभी न कभी पड़ ही जाती है। आप कितनी भी मोबाइल की टॉर्च इस्तेमाल कर लें, उनमें आपको वो फोकस देखने को नहीं मिलता जो कि एक फ्लैशलाइट में मिल जाता है। तो अगर आप भी अपने पर्सनल यूज के लिए एक फ्लैशलाइट खरीदने वाले हैं तो ये गैजेट आपको एक बार जरूर से ट्राई करके देखना चाहिए। बात अगर इस छोटी सी फ्लैशलाइट की करी जाए तो ये साइज में इतनी ज्यादा छोटी होती है कि आप इसे अपनी पॉकेट में रखकर भी कहीं भी जा सकते हैं। इस छोटी सी लाइट को ग्रिप करना बेहद आसान इसलिए रहता है क्योंकि इसके साथ आपको एक छोटा सा ग्रिप हैंडल भी मिल जाता है, जिससे कि इसे आप अपने हाथों में फंसा सकते हैं। साथ ही अगर आप अपने बैकपैक वगैरह में फंसाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इजी रहेगा। ओवरऑल इसकी हैंडी पोजीशन काफी ज्यादा इजी बना देती है इसे ग्रिप करना, जिससे कि आप पिस्टल फायरिंग जैसे मुश्किल कामों में भी इसे ग्रिप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो काफी कमाल के इसके यूजेस रहते हैं। इसकी ब्राइटनेस को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे और इसकी ल्यूमिन इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि अंधेरे में ये आपको बेहद बेहतरीन ब्राइटनेस देगी। तो काफी कमाल की रहती है ये छोटी सी टॉर्च, जिसका आप भी इस्तेमाल अपने पर्सनल यूजेस के लिए कर सकते हैं। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। नंबर 4, फंक्शनल बैकपैक। दोस्तों बैकपैक्स तो आपने काफी सारे इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन शायद ही कभी एक ऐसा बैकपैक यूज किया हो जिसमें कि आपको एक इनबिल्ट अम्ब्रेला देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे अम्ब्रेला की जो कि आपके बैकपैक में लगा रहेगा और जब भी पानी बरसने जैसी सिचुएशन आ जाए या फिर बहुत ज्यादा धूप हो जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। नॉर्मल तो आपको अम्ब्रेला यानी कि छाते को अपने हाथों में लेकर कैरी करना पड़ता है, जो कि एक थोड़ा सा उबाऊ काम है। और अगर आपके हाथ में बहुत सारा सामान वगैरह है या फिर अगर आप कोई जरूरी काम कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है छाता पकड़ने में। तो ऐसे में अगर आप इस
बैकपैक का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप अम्ब्रेला को बाहर निकालेंगे और ये आपके ऊपर बेहतरीन तरीके से कवर करता है और जरूरत ना होने पर आप इसे दोबारा से फोल्ड करके बैकपैक में लगा सकते हैं। लेकिन कमाल का फीचर तो दोस्तों ये रहता है कि इसमें आपको सोलर चार्जिंग के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो इस अम्ब्रेला के ऊपर एक छोटा सा सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि आपकी मोबाइल फोन की बैटरी चार्ज करने के लिए बेहद कमाल का ऑप्शन रहेगा। तो काफी कमाल का ये फीचर भी रहता है जो कि मुझे बेहद पसंद आया है। अगर आप चाहें तो इसे एक छोटे से ब्लूटूथ स्पीकर को भी कनेक्ट करके ऑपरेट कर पाएंगे। नंबर थर्ड, मैग्नापॉड। दोस्तों अब जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो एक तरीके का शोपीस होता है, लेकिन इसे इस्तेमाल आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इस छोटे से पॉट की जो कि आपके लिए एक बेहतरीन पेन स्टैंड की तरह काम करेगा और साथ ही एक छोटा सा स्टोरेज भी ये होता है जिसे कि आप अपनी टेबल पर सजा कर रख सकेंगे। इसकी खास बात ये होती है कि इसके साइड्स में मैग्नेट्स लगे होते हैं जिससे कि ये अपनी ही तरीके के पॉट्स को और भी ऐड कर सकता है जिससे कि आप इसे सजा कर इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं दोस्तों छोटे मोटे इंडोर प्लांट्स लगाने के लिए, जरूरी सामान रखने के लिए या फिर पेन स्टैंड के तौर पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों काफी कमाल का ये पॉट होता है जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप भी अपने पर्सनल यूज के लिए। नंबर सेकंड, हालो लॉक। दोस्तों अगर आप एक आईफोन ओनर हैं तो आपको ये गैजेट काफी पसंद आएगा। इसके पीछे दरअसल वजह ये होती है कि अगर आपके पास आईफोन 12 सीरीज के ऊपर के फोन्स हैं तो इसमें पीछे की तरफ मैग्नेट लगा होता है जिसे कि अगर आप चाहें तो इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। ये एक तरीके का छोटा सा स्टैंड होता है जो कि आपके लिए एक वायरलेस चार्जर की तरह भी काम करेगा जिससे कि आप जब चाहें अपने मोबाइल फोन को चार्ज कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इसमें पीछे आपको एक छोटा सा स्टैंड भी देखने को मिल जाता है जिससे कि अगर आप मूवीज वगैरह देख रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं तो इसके स्टैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने मोबाइल फोन को स्टेबल बनाने के लिए। ओवरऑल ये छोटी सी डिवाइस देखने में काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट सी लगती है जो कि एक वायरलेस चार्जर की तरह काम करेगी जिससे कि आप अपने आईफोन को चार्ज भी कर पाएंगे। तो खास तौर पर बनाया गया है इस तरीके के गैजेट को आईफोन लवर्स के लिए जो कि काफी ज्यादा पसंद आएगा। नंबर 1, वीमैक्स गो लेजर प्रोजेक्टर। दोस्तों अगर आपको बहुत बड़ी स्क्रीन की रिक्वायरमेंट होती है तो खास तौर पर वहाँ पर काम आते हैं प्रोजेक्टर्स जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप भी अपने विजुअल एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी एक ऐसा प्रोजेक्टर खरीदना चाहते हैं जो कि आपको बेस्ट क्वालिटी में कंटेंट डिलीवर करे तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के लेजर प्रोजेक्टर को, क्योंकि दोस्तों जो नॉर्मल प्रोजेक्टर्स होते हैं उनमें कलर्स इतनी ज्यादा डायनेमिक नहीं होते, लेकिन लेजर प्रोजेक्टर की खास बात ये होती है कि ये आपको एकदम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देता है जिसे कि आप अपने घर में ही एक छोटा सा थिएटर बना पाएंगे। बात अगर इस गैजेट के साइज करी जाए तो साइज वाइज देखा जाए तो ये एक छोटी सी पावर बैंक के बराबर होता है जिसे कि आप पॉकेट में डालकर कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन जहां पर भी आपको रिक्वायरमेंट हो एक बड़ी सी स्क्रीन की तो ये लेजर प्रोजेक्टर आपको 120 इंचेस की बड़ी स्क्रीन ऑफर करता है जो कि वाकई साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होती है। वहीं दोस्तों इसे इस्तेमाल करने के लिए स्पेशलाइज स्क्रीन की भी जरूरत नहीं होती, आप अपने घर की दीवार को भी एक इसकी स्क्रीन के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो काफी सारे एडवांस ऑप्शंस ये आपको डिलीवर कराती है जिसे कि आप अपने मोबाइल फोन से भी कंट्रोल कर पाएंगे। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये गैजेट आपको कैसा लगा है। वहीं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में अगर आप और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं या फिर उसकी कीमत वगैरह जानना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।